आप सभी सरपंच साहब के चरणाराम जी के नेतृत्व में जो आपका टोल दरों को मासिक पास के संदर्भ में जो धरना और भूगर साल का जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, इस संदर्भ में प्रशासन ने भी NHAI और टोल के विभिन्न अधिकारियों कार्मिकों के साथ लगातार संवाद में रह करके हमने इन 3 दिनों के दौरान जहां इन्होंने 1 अप्रैल से जो 100 रुपये का मासिक पास किया था उस पे आपकी ये लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग रही और आपने जो गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल अनशन का जो रास्ता अख्तियार किया उससे काफ़ी हद तक टोल प्रशासन ने इसको एक्नॉलेज किया और उनके ऊपर जो आपका एक नैतिक दबाव बना उसके कारण से पहले दिन ही जहां 100 रुपये जो मासिक टोल का जो शुल्क था पास वाला उसमें उन्होंने उसी दिन 75 रुपये मासिक करने को उसी दिन ही सहमति दे दी थी। क्योंकि ये जो टोल की जो कंपनी है वो एक MNCs है, बाहर की कंपनी है, ये केवल कार्मिकों और जो मैनेजर वगैरह हैं उनके माध्यम से ही चल रही, कोई मालिक वगैरह वो सब फॉरेनर हैं। तो यहाँ के लोकल के अधिकारी, जिले लेवल के, स्टेट के या नेशन के जो भी इनके मैनेजर्स होते हैं उनके माध्यम से लगातार उन तक नीचे के अधिकारी ऊपर तक बात पहुँचा रहे हैं कि आप लोकल जो अनरेस्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ रहना है और उनकी भावनाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका नॉर्म्स भले 330 का है, बाकी जगह कई जगह 330 में लोकल पास बना के लोग जाते भी होंगे, लेकिन जहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और प्रशासन ने जहाँ तक ये जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर चलाया। कल हमने जब वार्ता की थी यहाँ संजय जी को लाए थे मारवाड़ी को, तो उन्होंने कहा साहब अब हम आपकी बात रखते हुए हम 65 कर लेते हैं। तो 65 पे कल हमने बैठ करके वार्ता करी तो उस समय भी आप सरपंच साहब ने सभी ने कहा कि नहीं साहब हम इस पे राजी नहीं है। कल फिर हमने वापस रात को भी काफ़ी देर रहे बात करी, आज सुबह भी हम लगातार वार्ता का दौर कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने टोल के ऊपर के जो भी अधिकारी है उन्होंने अपने इस वार्ता के लिए आज दिन के लिए जो यहाँ टोल का मेन मैनेजर है विजय ठाकुर उनको टोल कंपनी ने अधिकृत किया, कंपनी की ने फुल फ्रीडम उनको दी है कि किसी भी परिस्थिति में जो विजय ठाकुर जो भी निर्णय लेता है स्थानीय परिस्थिति अनुसार उसको टोल कंपनी मानेगी। तो अब हमारे जो वार्ता के लिए यहाँ टोल कंपनी के जो मैनेजर आएंगे वो फुल्ली कंपनी की तरफ से फॉरवर्ड होके आ रहे हैं, वो जो यहाँ पर जो भी डिसीजन लेंगे वो कंपनी ने उनको अधिकृत कर दिया है, तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। विजय ठाकुर और वो जो उनके साथ हैं वो जो आएंगे तो वो जो फाइनल करेंगे वो उनकी तरफ से कंपनी का एक अप्रूवल है, उसमें कहीं और कोई बट नहीं रहेगा। अभी जो हमने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा भाई लगातार ये अनशन पे बैठे हैं और हम फिर हमारी तरफ से CI साहब ने SD साहब ने बात करी तो उन्होंने ये कहा साहब ये कॉन्स्टेंट चलने वाला प्रोसेस है तो हम इसमें आपकी फिर मांग रखते हो हम 60 रुपये कर देते हैं। अब अभी तक का ये अपडेट है कि वो 60 रुपये पे हैं और हमारी आपको ये प्रशासन का एक निवेदन है कि आपने संघर्ष किया तो ये 40 रुपये जनहित में आपने कम करवाए और ये मान के चलिए कि अगर 4000 पासेज हैं और एक आदमी ने इसका बेनिफिट है तो अल्टीमेटली आप ये मानोगे आपके इस आंदोलन से इन 4 टोल पर लगभग 20,000 लोगों को मंथली आपके इस आंदोलन से फायदा होगा। और इसके लिए मैं ये सरपंच साहब का जो ये इनिशिएट करके किया है उन्होंने हुई, अब हम टोल के प्रतिनिधियों को कॉल करते हैं और हम आगे की जो अब तक अपडेट हुआ वो हमने आपको बताया है।
हमारा रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम जो भी आसन पे बैठे हैं उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, जिसमें भी जो भी किसी की उस पर प्रशासन की लगातार नज़र है। और BDO साहब, विजय प्रकाश जी, ये सारे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन का एक बिल्कुल जैसे कहते हैं चोली दामन का साथ रहता है, वो इसीलिए भी है कि हम जनहित के मुद्दों पर प्रशासन भी संवेदनशील रहता है और जनप्रतिनिधि भी उस पर रहते हैं। तो अब मैं इससे आगे अपनी बात रखने के लिए SDO साहब को कहूंगा कि आप अपनी तरफ से बीच में अब तक का जो अपडेट हुआ, वो जब तक टोल है। सरपंच साहब ने अब तक ये भी जो भी हुआ इसके बारे में, ये जनाराम जी भी अपनी बात जो भी आप उपस्थित उनको कहना चाहते हैं, तो मैं आपको बचाऊंगा कि वो भी अपनी बात रखें। सर, आज 3 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है, और इन लोगों की ऐसी दादागिरी मानी, आप 3 बार आप भी आए हैं मीटिंग में, हर बार आप प्रशासन यही मौजूद रहा है, आपकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है, 70, 75, फिर 65, और बात 60 की आखिर की। अब बात है 1 रुपए की, जो पूर्व में जो 1 रुपया था, अभी नहीं, अभी तो 150 रुपए थे, 50 रुपए था, हमें भी पता है। लेकिन जो सबसे पहले 8 साल पहले जब टोल शुरू हुआ था, तब यहाँ टोल टैक्स जो लगता था वो मासिक पास 1 रुपया ही था, तो हमारी तो मांग यही है कि उसको 1 रुपया ही किया जाए। ये दूसरी कई मांगे हैं जो इनके सामने, क्योंकि वो तो इनके NSA और LNT के खुद के रिगार्डिंग है, तो हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। जब वो आए तो उनके बारे में अपनी बात उनके सामने रखेंगे। बाकी सर, ये बार बार जो वार्ता हो रही है ना, इससे हमारा भी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। बार बार वार्ताओं का कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है, मतलब वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, या तो हमें वो पता नहीं क्या समझते हैं, हमें भी अभी ये समझ में नहीं आ रहा, और ये उस चीज का मतलब मिस यूज कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई भी वॉयलेंस पैदा हो यहाँ पे, किसी तरह की कोई ऐसी बात हो जिसे, ये तो टोल कंपनी आज यहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे, हमारा और आपका जो आपसी समझ है ना वो खत्म नहीं हो। और ये कंपनी यही चाहती है कि कैसे भी करके प्रशासन और इनके बीच में नो मिस्टेक हो जाए और इनकी जीत हो, और वो हम नहीं चाहते हैं। आज 15 आदमी मेरे समेत आज 3 दिन से बैठे हैं, इनको दिखता नहीं है। आप लोगों को चिंता है, प्रशासन सरकार के आप नुमाइंदे हैं, आप लोगों को चिंता है, आप सुबह शाम रात को भी ध्यान रख रहे हैं, रात को भी पुलिस का पहरा रहता है यहाँ पे, कोई तरीके रात को भी मेडिकल टीम आ रही, किसी की तबीयत ठीक नहीं, इनको थोड़ी भी परवाह नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, मतलब आम जन से ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अपनी मनमानी से ये मतलब रेट हम तय करेंगे। जब 50 से 1 से 50 रुपए किया, हमें पूछ के किया 50 से, फिर उन्होंने 150 रुपए 3 महीने का किया, क्या हमें पूछ के किया? अब 150 से इन्होंने 300 रुपए कर दिया, क्या हमें पूछ के किया? ये इनको सोचना चाहिए। और हमने इनको बोला कैसे भी करके कि भाई आप ये मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा, मत करो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, NSA के नॉर्म्स है। जब अब नॉर्म्स है तो पहले नॉर्म्स कहाँ गए थे इनके? भाई अब आपके नियम सामने आ रहे हैं तो पहले आपके नियम कहाँ गए थे? और क्या अब 100 रुपए का नियम है क्या? नियम तो आज भी 330 का है, NSA का नियम तो आज भी 330 का ही है। ये तो इनके लोकल लाइनर है, इनका खुद का काम है। इनके एक दो अफसर हैं जो आप नाम ले रहे, संजय मारवाड़ी, ये को जो जो है नहीं आए, आज सिर्फ भी ना बलि का बकरा बनाया इस विजय ठाकुर को, मैं कह रहा हूं बलि का बकरा बनाया विजय ठाकुर को, वो खुद नहीं आ रहे यहाँ पे, जबकि मेन जो इनके पूरे जो चारों टोल देखते हैं वो ये संजय मारवाड़ी और ये लोग है, और ये पूरी की पूरी कार्यशैली संजय मारवाड़ी की है। जो चीज पहले दिन ही हो सकती थी उस चीज को मैंने इनको कहा, भाई आप हम भी कोई 50 रुपए चल रहे थे, कोई तकलीफ नहीं है, उसको चलाओ, जो आपने बढ़ाया उसको हटा दो वापस, के नहीं हटाएंगे, देखो आप मान जाओ ठीक रहेगा, नहीं 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 हटाएंगे, सरकार के नियम है, हमारी उनसे बात हो गई, हमारे ऊपर बात हो गई, हमारी कंपनी में बात हो गई, सब बात हो गई, सब हमारे नियम है, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। जब और खूब समझाने की कोशिश की, देखो भूख हड़ताल पे हम भी नहीं बैठना चाहते, हमारे साथ और भी लोग परेशान होंगे,
और भी जो लोग इतने लोग यहाँ आए हैं, आप मानिए उस दिन इतने लोग आए, अपना काम धंधा छोड़ के आए, गाड़ियों में डीजल चला गया है, जो 5-7-8 लाख का जो भी नुकसान हुआ वो तो आम आदमी का ही हुआ ना, इस कंपनी का क्या फर्क पड़ता है। दो एक दिन की अपनी मजदूरी खोटी करके आए, उस मजदूर आदमी के नुकसान हुआ, इस कंपनी के क्या फर्क पड़ता है, इनको तो अपनी सैलरी मिलती है। आम जन की बात है थोड़ा, और एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी कोई भी लिमिटेड कंपनी होती है कोई भी, वो सीएसआर मद से लोकल डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है। इन्होंने 8 साल में कभी भी 5 रुपया भी हमारी ग्राम पंचायत में, हमारी ग्राम पंचायत की जमीन लेके ये टोल बनाकर बैठे या टोल वसूल रहे, और हमारे सीएसआर मद में 5 रुपया भी कभी नहीं दिया। लोकल डेवलपमेंट में इन्होंने 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं किया है आज तक। और आप देखो, जब ये पेड़ कटे थे, जब सड़कें बनी थी, तब 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने, ये नॉर्म्स था, नियम था। 8 साल हो गए, आप 8 साल में मुझे एक भी पेड़ इनका 8 फुट हो गया हो ऐसा बता दीजिए, एक भी पेड़ 8 फुट का नहीं हुआ अभी तक इनका। पौधे लगाते हैं, गायें खा जाती है, फिर साल 2 साल में कोई कोई, फिर कोई देखता है पौधे नहीं लगे, फिर कहीं से नए पौधे लगाते हैं और फिर लगा देते हैं और फिर उनको गायें खा जाती है। ये इसी तरह की 8 साल में आप भी मानिए, घर में अपन भी पौधे लगाते हैं, वो कितने बड़े हो जाते हैं। आपको हाईवे के पास इनके आरओडब्ल्यू में कहीं दिख रहा है एक भी पेड़ हो तो ऐसे दूर से भी लग जाएगा, हाँ यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है कम से कम। वो भी स्थिति इनकी नहीं है, 50 कमियां हैं, लेकिन आज मुख्य मुद्दे की बात, रायपुर ब्रिज की बात एक बार उनको आने दो, बाकी हमारे आपसे कोई लड़ाई नहीं है ये, और ये कोई किसी पार्टी का भी मामला नहीं है सर, ये जनहित का मामला है। और या कोई एक रायपुर की बात नहीं हो रही है, ये रायपुर की बात नहीं हो रही, आज पूरे रायपुर तहसील के लोगों के पास बने हुए हैं। अब ये कहते हैं सर आपको क्या प्रॉब्लम है, वहां जाडिन में तो कोई विरोध नहीं हो रहा है, बिरामी में भी कोई विरोध नहीं हो रहा है, उत्तमंड में भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। अरे वहां विरोध नहीं, उससे क्या मतलब है, हमें प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। और यहाँ ये तो यहाँ कम होगा तो वहां भी कम होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप कम कर दोगे और वहां नहीं चलेगा। अगर आपका यहाँ पे जितने भी कम करोगे, 1 रुपये यहाँ करोगे तो 1 रुपये आपको चारों टोल पे करना पड़ेगा। इसलिए सर मैं यही निवेदन करता हूँ कि बार बार वार्ता करने से कोई मतलब नहीं है, वार्ता का निष्कर्ष निकलना चाहिए। बेनतीज वार्ता से 3 दिन से भूखे हैं, सिर्फ पानी ले रहे हैं, पानी के अलावा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। माइक ना बंद कर दो, सब आप घर का राकेश जाओ थोड़े आप लोग जो बहुत बटला जाओ अभी कन हंसा बटला जाओ ऐसे कौन बना लो इधर आ जाओ हंसा बोल आगे नवा यहां आ जाओ हाँ साहब थोड़ा क्यों आ जाओ आप तो साहब वार्ता जो कंपनी वाला आगे बात करनी है बात जाती है सफल साहब रो ना आप लोग करो बातचीत साहब बार ठाकुर ने बताई जाने करिया है बाकी तरफ एक बार आप बताओ साहब हमारी मांगों के ऊपर आपकी क्या वार्ता हुई है खड़े होके बता दो सभी फोन ला रहे थे कैमरा चालू कर दे आवाज तेज है सरपंच साहब धरने पे बैठे थे तो जो साहब मैक्सिमम हिंदी में बताओ 60 रुपए फाइनलाइज किया है 60 रुपए जो मैनेजमेंट ने बोला गया है सरपंच साहब फिर बात वही
जो आपकी दूसरी मांग थी जो पास की वैलिडिटी, आपकी सरपंच साहब की दूसरी मांग थी जो मैसेज आने चाहिए मंथली, जो उसमें मैंने चेक भी कराया, कंपनी से बात भी की है, और पेटीएम वालों से जो हमारा एक्वायरर पोर्टल है, जैसे पहले आप बोल रहे थे कि आईडीएफसी में सारे मैसेज आते हैं, हमारा इससे पहले दूसरी बैंक थी एक्वायरर, तो आपको आप लोगों ने ही बोला कि पहले मैसेज आते थे अभी नहीं आ रहे, तो इसके लिए भी हमने मैनेजमेंट से बात करके इसको तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, और जितना जल्दी हो सके, मैं समय मर्यादा नहीं कहूँगा, पर एट द अर्लीएस्ट जितना जल्दी हो सके वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है सर? तो ये दो पॉइंट के लिए मैंने कहा। सिंपल बात है, आपने अपनी बात कर दी, आप इन्होंने मैनेजमेंट करके इन्होंने 60 रुपये तक बताए, आप ये क्योंकि 1 रुपये जो आप बता रहे हो वो 8 साल पुरानी चीज़ है, आप भी कुछ आगे बढ़े, सुनिए सर, आप भी कुछ कदम आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने 100 से आते आते 60 तक आए, आपका भी एक नैतिक दावित बनता है, क्योंकि दोनों कंबाइन होकर ही आप काम कर सकते हैं आपकी, इसलिए मैं तो आपसे भी कहूँगा आप ये थोड़ा अच्छा कदम आगे बढ़ाएं, ताकि एक चीज़ का रास्ता कायम किया जा सके, गतिरोध खत्म हो। नहीं, 1 रुपया ठीक है, 8 साल पुराना था, अभी आप किस जगह पर स्टैंड करना चाहेंगे, तो आपसे बात ताकि बात हो जाए, फिर हम अपना आप डिसाइड करेंगे भाई आपकी बात बाजी में है तो हम बकायदा है उससे सीओ साहब से बिल्कुल बात करूँगा, अभी सुबह से मेरी बात लगातार चल रही है, हो जाएगा, हम तो चाहते हैं आज इस चीज़ का समाधान हो जाए, जिस निर्णय के कारण से अपन विरोध में आके बैठे हैं, हमें कम से कम से भाई वो जो निर्णय किया है कंपनी ने, हमारा विरोध उस पर है ना, तो उसके बारे में आप अपनी बात भी आपने 50 बताए और हमारा विरोध है। पहली बात तो 50 रुपए के 100 से 60 के ये हुए नहीं, 50 ही थे, ये तो ये तो 100 इन्होंने अपने मनमानी से अभी किए हैं, तो ये 40 बढ़ना है, निर्णय हो गया, अलग बात है, इन्होंने लागू तो कर दिया, और लागू करने से पहले मैंने मना किया या नहीं किया, आपने ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा मत करना आप भुगतोगे, लेकिन नहीं, आपकी दादा के लिए कैसे करेंगे, हम तो करेंगे, हमारा टोल है, आपकी कितनी माइनर प्रॉब्लम है आपको पता है, इसमें क्या है सर, आपके लेवल से नहीं हो रहा है, आज आप आए हो ना, मैं भी अधिकारी, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी आप आए हो ना, अभी तो आप यहाँ जो भी करके जाओगे क्लियर अथॉरिटी है आपको ना, आपने कभी ये चीज देखी है कि आपके सड़कों के हालात क्या है, सर्विस रोड उसके हालात क्या है, कभी देखे ये हाईमास जो लाइट जलती है आपकी, आधी जल रही है, आधी एक साइड जलाते हो, बाकी क्यों नहीं जलाते हो आप, बिजली का बिल बचाने के लिए, राइट, आपका और आपका कहना क्या है वही बता दूं, आपका कहना यह है कि पीछे खेत में हमें रोशनी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लाइट नहीं जलाते, वो नहीं है ना, नहीं, तो फिर लाइट क्यों नहीं जलाते हो, आधी लाइटें आपकी बंद रहती है, पेड़ पौधे आज मेरी बात सुनो, 8 साल से आपकी कंपनी पेड़ पौधे लगा रही है, जब सड़कें बनी थी पेड़ काटे गए थे, तब कहा था 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाओगे, आपका 1 पेड़ मुझे बता दो जो आपकी ROW में आता है और उसकी हाइट 8 फुट भी हो, 8 साल में कहां गए आपके पेड़, सर्विस जो सड़कें हैं उनके ऊपर नाले की सुविधा नहीं है, पानी आता है बढ़ जाता है और वो सड़कें वापस टूट जाती है, ये रायपुर के लिए 2 साल से ये बेचारे परेशान हो रहे हैं, कई बार टेम्पू या स्कूल के बच्चे जो स्कूल में चलते हैं टेम्पू, वो टेम्पू पलटी खा जाता है, कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार, मेरी पूरी बात जाला की चौकी की स्थिति देखिए आप, उस दिन जो बिनाटे गल्ला में जो बिनाटे गल्ला टोल के लिए मामला हुआ था, उस दिन मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब आपके ऑफिस में ही, उस सुखजीत ठंडा साहब बार बार इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि भाई जालर चौकी के कुछ कीजिए, यहाँ पे बार बार दुर्घटनाएं होती है, और उसी वक्त बोला था कह रहे हैं बार बार गैस के टैंकर पलटी खा जाते हैं, सर मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसी दिन शाम को गैस का टैंकर पलटी खा का उसी दिन जंप लगा दो कि नहीं नॉर्म्स में नहीं है, अरे यार धंधा नहीं हो रही है क्या, नॉर्म्स कहाँ, नियम की बात करते हो आप, लोगों के घर उजड़ रहे हैं और आप नियम की बात करते हो, किसी के घर में जना नहीं हो रही वहां आप नियम की बात करते हो, मानव जीवन की कीमत, रायपुर ब्रिज की बात करते हैं, कितने साल से कह रहा हूं मैं, कितनी बार मैंने कह चुका हूं मैं
भाई ये ब्रिज संकरा है, आप दूसरे गांव के पैरेलल देखो आप इस चीज को, मुख्यालय है और मुख्यालय के हालात ऐसे हैं कि दो गाड़ी आमने सामने हो जाती है, गाड़ी को बैक लेना पड़ता है। इन सारे अरे मारे तो माइक बिना माइक पढ़ भी लूंगा करो माइक है तो अरे बिना माइक ही सॉल्यूशन भी देगी जैसे स्पीड ब्रेकर वाले में एचडी साहब की चीज है मेरे चालक चौकी मिल जाएगा ये वाला सर्विस रोड ये खत्म पर मेरी मेरी एक ही बात है सर रोल की रेट पानी लियो सर जी सर पहले तो सर ये पुराने पुराने प्लेटफार्म पे आए मारता आ रही ना अरे आगे उसमें मेरी बात सुनो आप एक आप कहने थे कि अधिकारी आए थे सर टोल की पास बाद में करेंगे मैं जो पास की बात है थोड़ी बाद में करेंगे पहले आप कहने थे अधिकारी ने ये कहा कि रायपुर ब्रिज का हमने प्रपोजल बना के भेजा हुआ है एक तो उस प्रपोजल की कॉपी दी जाए हमें एनएचआई को हाँ जो यहाँ से आपने आपने भेजा फिर एनएचआई ने आगे भेजा उस प्रपोजल की कॉपी दी जाए और कितना समय और लगेगा वो बताया जाए भाई 2 महीने 4 महीने 6 महीने हम ये नहीं कह रहे ब्रिज का बड़ा मामला है आप 15 दिन में बना दो लेकिन 1, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कुछ तो बताओ भाई कुछ तो बताओ कि भाई यहाँ ये भी तो नहीं कह रहे हाथो हाथ कर दो लेकिन आप जब यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे इतनी बात करें आप टाइम बताओ कि 6 महीने में नहीं वो तो फिर हम वापस हमारे पास आएंगे सुनिए सर मैं कहना चाहूंगा इस संबंध में मैंने और मैं खुद उनसे अच्छा नेशनल हाईवे के आपको अपना ऑफिस बुलाकर जितने भी डॉक्यूमेंट है सुनो साहब सरपंच साहब मैं अपना ब्रिज की डिटेल सर्विस रोड की डिटेल साइड डिटेल में मांगू ताकि आपके पास उनकी कॉपी पहुंच जाए कब बनेगा कितना बनेगा वो साइड डिटेल आपके पास पहुंच जाए सर मेरी बात तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं सर मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात तो सुनिए सर अपनी मांगों को दो तरह से बांटो एक तो अरे सर मैं बात नहीं है मैं तो आप मेरी बात नहीं समझे इन्होंने बोला प्रपोजल भेजा हुआ है उसकी कॉपी दे दो सर बिल्कुल दी जाएगी आपको हाँ, वो कह रहा हूँ ना मैं इंश्योर करूंगा आपको मिल जाएगी और एनएचआई मंगवा दीजिए मेल भी मंगवा दीजिए मैं टोल डिपार्टमेंट देखता हूँ अगर आपने बोला है कि भाई भेजा गया है तो मैं एक बार फॉलो अप मैं नहीं बोला एनएचआई के जो अधिकारी है उन्होंने बोला प्रपोजल भेजा हुआ है वो मैं आपको दूंगा उनसे सरपंच साहब मैं कोऑर्डिनेट करके अच्छा आप देंगे वो मैं दूंगा आप देंगे मैं उनसे मांगता हूँ आपको सारी कॉपी ब्रिज की क्या है सर्विस रोड की का डिटेल है और जितनी भी डिटेल आपकी बनती वो एस एल हाईवे के अथॉरिटी को बुलाकर मैं खुद मांग रहा हूँ मुझसे आगे नहीं लगे इनसे रिलेटेड एनएचआई देंगे ठीक है आपके रिगार्डिंग 4 मांगे पहली हमारी टोल की जो मासिक पास है उसको 1 रुपया की जाए 1 रुपया की जाए दूसरी मैसेज अलर्ट जो आप इमीडिएट आप कह रहे हो ना ये मैं जल्दी 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 नहीं आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन बताइए कि हम 5 दिन में हाँ ये आप मैं जल्दी करूंगा ये कोई कारण नहीं हुआ आप मुझे बताओ कि भाई इतने दिन में मैं जो मैसेज अलर्ट की सुविधा है ये वापिस आपके कर देंगे दूसरा तीसरा आपकी हमारी जो भी एक रेट तय हो जाती है कि भाई 5 रुपया महीने का पास है मान लो आप कह लो 3 महीने का ही रिचार्ज कराओ क्यों मेरी मर्जी है मेरे गाड़ी मेरे को तो 15 दिन बाद ही बेचनी है तो मैं क्यों 3 महीने का कराऊं मेरे से गाड़ी को मैं तो 1 महीने का कराऊंगा और मेरा गाड़ी परमानेंट है तो मैं तो आपको 1 साल से कराऊंगा 1 साल का आपको तो पैसा चाहिए ना 12 महीने का 12 × 5 60 रुपए हो गए ना आप 60 रुपए लीजिए और मुझे 1 साल का पास दे दीजिए मैं पहले एक बार जाऊं और चाहे उस साल भर भी वहां नहीं जाऊं भाई आपका तो मंथली रेट तय होगी ना कि भाई महीने की हमारी रेट ये है तो उस रेट के आधार पे मेरी मर्जी है कस्टमर जो भी चाहे पास वाला भाई वो 1 महीने का रिचार्ज कराए चाहे 2 महीने का कराए चाहे 6 महीने का कराए चाहे 1 साल का तीसरी चौथी मांग आपने गुड्स की जो गाड़ियां है उसमें 50 की लिमिट कर रखी है वो भी 50 भी अपने ही है और दूसरी भी गाड़ी वाला अपनी है उनके भी 50 की बात है उनके भी पास बनाए जाए बस उनके पास की जो रेट है वो रेट लगाई जाए उसके लिए वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पास जो मासिक पास वाली पास है गुड्स के जो व्हीकल है इन्होंने क्या कर रखा सर गुड्स की जो गाड़ियों के लिए शुरू में पास एक शुरू में तो कम रेट तय हुई थी उस रेट के आधार पे चल भी रहा था फिर उन्होंने पता नहीं धीरे धीरे किसी को ये तब मामला जब ये यहाँ तक पहुंचा तब ये बातें सामने आई है इन्होंने 50 की लिमिट कर दी 50 से ज्यादा गाड़ियों के 50 गाड़ी के तो गुड्स के ये पास बनाते हैं क्या रेट लेते हैं उनकी क्या रेट लेते हैं 330 अभी 330 हुए 330 15 थे 330 रुपए में गुड्स की जो भी गाड़ियां हैं
महीने के 300 अच्छा उनके लेते कोई तकलीफ नहीं, वो कॉमर्शियल व्हीकल है और वो देते भी है, लेकिन अभी सिर्फ 50 गाड़ियों का कर दिया उसमें, बाकी जो गाड़ी वाले थे उनके पास बनाते नहीं है। ये चार मांगे आपके लिए, हाँ बाकी लोगों के भी बनाए बेचारे, वो भी तो अपने ही ना जो इस रेडियस में रहे, हाँ बस रेडियस में रहे, 20 किलोमीटर रेडियस में जो भी आते हैं उनके भी 330 वाले पास बनाए जाए भाई, बस नहीं लिमिट इन्होंने सर, लिमिट इन्होंने एक बार डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल व्हीकल में अगर मैं 20 किलोमीटर के अंदर रहता हूँ और मेरे पास येलो प्लेट वाली व्हीकल है तो गवर्नमेंट ने उनको सुविधा दी गई है, इनका अगर 100 रुपए होता है तो उसकी जगह 50 रुपए पर ट्रिप मिले डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल व्हीकल। फिर सरपंच साहब या इन तरह के प्रतिनिधि लीडर आ गए और उन्होंने बोला कि भाई हमको सुविधा दी जाए, तो उस समय NHAI ने डिसीजन लिया कि इनकी कोई लिस्ट भी होगी आपसे और उनकी व्हीकल देखी और उस समय कुछ अप्रूवल मिला कि भाई इनकी गाड़ी इतनी है तो 50 व्हीकल तक अप्रूवल दिया जाए पास में, जो मैं सिंगल ट्रिप के 50 रुपये 100 की जगह 50 रुपये तो हाफ रेट दिया गया है, पर इन्होंने फिर बोला होगा कि भाई इनका मंथली पास बना दिया तो वो फिर इनके कहने पे बना दिया, उसकी लिमिट एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं 50 से बढ़ाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, देखो आप फिर मैं कह रहा हूँ घूम के नियमों की बात नहीं करें, नियम आपके नहीं है, नियमों की बात मत कीजिए, आप नियम की बात करोगे तो आपकी हमारी बात होगी, नियम तो आपके 330 के, आप 329 कर सकते हो, नहीं देखे आप नियम की बात कहना ये है 330 रुपए थे उसका एक ट्रिप 100 रुपए था 50 कर दिया ठीक है, फिर जनप्रतिनिधि यहाँ के लोकल आयुक्त का यार इनका पास बना दो तो इन्होंने 315 में पास बना दिए साहब, उसमें मैं ही था तो ये आपके पास बना दिए 330 अब आप कह रहे हो 50 की बना रखी है, पाल वाल सत्तर गाड़ी है 100 गाड़ी है तो उनकी भी है और क्या हो रहा हूँ बिंदु इनके रिकॉर्डिंग यही है, दो मिनट भाई बिल्कुल सही बात है जो सरपंच साहब ने अपने कार्यकर्ताओं सरपंच साथियों जनप्रतिनिधियों के साथ में भेंट की, देखो भैया बहुत अच्छी बात है और ये उठने से ही कई बातें ऐसी थी जो इस मंच के माध्यम से ही सरपंच साहब को भी पता चली जो टोल की कमियां थी और इनके मार्फत आज प्रशासन को और टोल कंपनी को सबको पता चला। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ज्वलंत मुद्दा कि भाई बाकी जैसे MPO साहब ने PT साहब को भी फोन किया आज और जल्दी PT साहब के साथ में ये जो NHAI की PT और टोल प्लाजा के जो CEO है उनके लिए एक मीटिंग आयोजित कराएंगे और उस मीटिंग के अंदर यहाँ के सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो लोग भी उपस्थित आमंत्रित किए जाएंगे, उनकी चर्चा वहाँ पे। आज जो अभी जो मेन मुद्दा है कि आम आदमियों को जो पूर्व की भांति 1 रुपया लेकर पास बनाया जाता था, इनकी मांग सरपंच महोदय की ये है कि भाई 1 रुपये की घोषणा कर दो हम आंदोलन वापिस ले लेंगे, इनकी मांग ये इनके जो ऑथराइज किया है जिससे आपने HDM साहब आपने भी बात करी थी इनके जो CEO साहब थे इन्होंने और उन्होंने जैसे 60 रुपये के ऊपर छोड़ दिया था प्रस्ताव है, मानना नहीं मानते आपका हमारा काम है नहीं, प्रस्ताव है नहीं 60 की अभी कई नहीं है स्वीकार नहीं है, इन्होंने मना कर दिया ना, पूछ रहे हैं अरे तो इन्होंने मना कर दिया ना, अपन बात कर रहे हैं सर, अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं, अपन क्या मुद्दे की बात कर रहे हैं कि भाई ये विजय जी हैं, विजय जी आप पधारो साइड में, आपके जो अधिकारी हैं उनसे करिए आप दूरभाष पर वार्ता और उनको समझाइए कि 1 रुपये के बिना यहाँ पर बैठना यहाँ से उठने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, आप अपनी वार्ता करिए फिर वहां से जो निर्णय आता है वो निर्णय आप बताए क्योंकि ऑथराइज पर्सन आज के आप हो, सही बात है सर, ताकि वार्ता का दौर आगे बढ़े, वार्ता का दौर आगे बढ़े।
साहब चर्चा करने दो ना, आएगा क्या? ये अपनी मांग रखेंगे वहाँ, इनकी मांग तो एक रुपए की है ना, इनकी मांग एक रुपए की रखेंगे वहाँ, क्या आता है कि भाई 60 पे ही नहीं, वो तो कहते सो ही लूं, तो जो भी आएगा बात। एक बार एक की जिनकी थी, इनकी 100 थी नहीं, 100 से 75 आए, 70 आए, 65 आए, 60 आए, पहले इनको अंतिम चर्चा तो करने दो। सरपंच साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक वाली मांग छोड़ो, और ये आओ तो इनको भी, क्योंकि 8 साल पुरानी उस मांग पे जाना वो भी थोड़ा फिजिबल नहीं। आपने मांग रखी है, ठीक है, लोकतंत्र मांग तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ तो सारी चीजों पे सारी तो लेंगे, नहीं तो ये प्रतिरोध बना रहेगा, बैठे रहो, उससे वो नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वापस लाएंगे तो मान लो सरपंच साहब की तरफ से 19 है तो क्या आप सरपंच साहब छोड़ो, इनकी तरफ से 20 है इनको क्या क्या आ रहा है। साहब ओ साहब एक मिनट अरे साहब सभी लोग देखो जो चर्चा में बैठे आने, आप लोग तो 3 दिनों लगातार चर्चा अटैच कर रहे हो, सब जना जनप्रतिनिधि ग्रामवासी कार्यकर्ता जो भी भूख हड़ताल में बैठे है, आज वार्ता को दौर आयो है तो वार्ता तो कुछ ही लोगों के बीच में रही, जो आप लोगों का नेता है, जो अटीला पदाधिकारी है और जो प्रशासन है उन्हीं के बीच में होने, तो आप लोग एक बार शांति बने रखो ताकि मामलों शांति हो गए। सरपंच साहब एक बात यह है, एक मिनट सर, एक मारो एक निवेदन है सर, एक प्रस्ताव हो रहा है कि एक रुपए की जो बात थी वो आज से 8 साल पहले थी, एक रुपए की बात। देखो सरपंच साहब आज का समय में जायज भी को ना, थोड़ा बड़ो दिल आप भी रखो, आप एक आपकी एक रेट तय कर बताओ कि भाई मैं 17 रुपए की बात रहे तो 17 रुपया के अंदर, तो भाई जो सम्मानजनक बात रहे आपके लिए भी बात सम्मानजनक रेट, या के लिए भी सम्मानजनक रेट, प्रशासन जो बैठे वहां भी उचित लागे, आप थोड़ी सी चलो 2 रुपए कर नहीं सर 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 वार्ता नहीं सुनो, आप सब जना बैठे हैं, मौजूद हो गए हम लोग, अपन सब जने बैठे हैं यहाँ अपन वार्ता का समापन करने के लिए बैठे हैं, एक मिनट पर वार्ता को समापन करने के लिए बैठे हैं, एक सम्मानजनक बात बोलो, आप डिस्कस करो, डिस्कस करने के लिए आपको समय दे दो, आप नहीं करो मैं बारी बार चले जाऊं, आप अपनी बार चले जाए, आप अपनी चर्चा कर माने बता दो लो। हाँ सर, मैं बोलू साहब, बोलू जन बस बात मानो जन तो बोलो आप ही बात ले लो, आपकी बात रख लो, आप अधिकार या की बात रख लो, या को अधिकार है ये रखी, आप नहीं मानी सरपंच साहब, आप रखो बात कटे, नीचे आवता 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 आया ही है, और आप 3 दिन 1 रुपया मतलब एक बार भी आप हमारी बात को कोई मानी है, मैं धरने मत बैठ रहा हूँ खिलाफ, ठीक है, मैं हम लगा टेंट थोड़ा, अरे कंपनी का सरकार की रेवेन्यू का मसला, मैं क्यों इन्हें मत करो, अरे मैं क्यों 50 रुपए है जो राख दो, मत करो भूख हड़ताल, मत करो माने मत परेशान करो, मैं तो घने क्यों ना हाथ करके था कोई ना, पर ये तो छोड़ो, अब एक बात मान लो, 33 रुपए महीने के, 3 महीने के 100 रुपए, देखो आप 150 चलता, 150 आपने कितने साल वसूल किए, एक साल वसूल किए, कोई नहीं बोला ना, तो आप 150 चलते रहते ना, ये उंगली क्यों की हम लोगों ने, आप 33 रुपए हैं, आप 33 रुपए फाइनल करो, अपने हाई ऑथोरिटी से बात करो और 33 रुपए में फाइनल करो, जो गलती आप की है वो सुधार लो, आप पकड़ो आगे बढ़ो, लो डॉक्टर साहब, आप जाके बात पर उससे नीचे नहीं, अगर आप रोल बैक करते हो तो बात नहीं, तो आप इससे नहीं बता, इससे मैं एग्री नहीं है, करो आप बात, आप जाओ, आप जाओ एक बार जगह दो भाई,
दोसा ठाकुर साहब आप जाओ, अरे आप जाओ ना, बोलवाड़ा पूरा जाओ यार, फिर यार अटके वो तो यार आप जाओ जी, नहीं मैं आप ही थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ लाइव, वार्तालाप चल रही है, थोड़ी देर बाद आप ही